नमस्कार जुले सलाम। आज हमारे अनशन का छठवां दिन शुरू हो रहा है और आज मौसम का बताएं तो बहुत ही दिलचस्प है। ये जो गिलास मेरे सामने है ये आधा जमा है आधा पिघला है और थर्मोमीटर पे तापमान भी आज -4 के करीब है। पिछले दिनों आपने देखा था -16-17 तक था, तो आज अचानक गर्म क्यों हुआ, तापमान कैसे बढ़ गया, इसका रहस्य है आज के आकाश में। आप देख रहे हैं आज बादल छाए हुए हैं, तो क्या होता है कि जो धरती से गर्मी के किरणें निकलती हैं इंफ्रा रेड में, वो वैसे तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंच जाता है, मगर जब बादल छाए हों तो वो बादल उसे रिफ्लेक्ट करके वापस धरती पर भेज देती है और इस वजह से तापमान बढ़ जाता है। पिछले दिनों बिल्कुल खुला आसमान था, साफ था और इसलिए तरंगे यूनिवर्स की तरफ ही जाती जा रही थी, इसलिए ठंडा था। और आज बर्फ भी पड़ने का इम्कान है और बर्फ पड़े तो ये और भी गर्म हो जाएगा, और क्यों इसका अनुमान आप लगाइए, नहीं तो मैं अगले एक अंश में आपको बताऊंगा। ऐसे में हम अनशन पर है यहाँ खुले आसमान में और मेरे साथ करीब 60 लोग अलग अलग गांव से यहाँ आकर अनशन कर रहे हैं इस मांग के लिए कि लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को बचाया जाए। और ये मांग हम एक तो सरकार से कर रहे हैं पहला, दूसरा पक्ष है आपसे यानी कि नागरिकों से, खासकर जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनसे, क्योंकि ये आपकी जीवन शैली है जिसमें कि ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म, ये खरीदो वो खरीदो, बहुत सारे प्रोडक्ट जो जरूरत हो या ना हो आप घर में इकट्ठा करते हैं, म्यूजियम बना देते हैं और घर भी दो नहीं 3-4 या फिर गाड़ियां 5 जूते 40, जो ये शैली है जीवन का, इसके वजह से कार्बन उत्सर्जन होता है और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग और फिर हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। और वैसे भी अगर आप सादा जीवन जिए, कम चीजें खरीदें, तो उससे क्या होगा कि कम मिनरल्स की जरूरत होगी, कम तांबा, कम लोहा, कम लिथियम, कम यूरेनियम की। तो ऐसे में ये जो उद्योगपति हैं, ये जो इंडस्ट्रियल लॉबीज हैं, वो लद्दाख जैसे पहाड़ों पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी विनती है आपसे भी, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आप सादा जीवन जिए, प्लीज लिव सिंपली इन योर बिग सिटीज सो दैट वी इन द माउंटेन्स मे सिंपली लिव। इस बारे में हमने एक आंदोलन छेड़ी थी आई लिव सिंपली, जिसका विस्तार आप ilivesimply.org पर देख सकते हैं। और ऐसा ही एक आंदोलन मोदी जी ने पिछले COP26 में शुरू किया था, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट, और इसके हम बड़े समर्थक हैं। यहाँ आप देखेंगे हमने एक बैनर भी लगाया है उनके समर्थन में। अब यहाँ पर लोग आते हैं तो पूछते हैं आपने ये बैनर क्या लगाया, हम मोदी जी का शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मगर हम कहते हैं जो उन्होंने अच्छा किया है हम उनकी अच्छाई समझें, बुरा जब करेंगे उसका हम तिरस्कार भी करेंगे, क्योंकि अच्छे को अच्छा कहना ही अच्छा है। बहरहाल आप लोगों से विनती है कि आप अपने अपने शहरों में भी लद्दाख के समर्थन में, पर्यावरण के समर्थन में, सत्य और लोकतंत्र के समर्थन में एक दिन का अनशन कम से कम जरूर करें। और बेहतर दिन है रविवार 17 मार्च, संडे द 17th of March। धन्यवाद। जुले नमस्कार और आदाब। ये अपडेट मैं छठे दिन के अनशन के खात्मे पर दे रहा हूँ और मैं बिल्कुल चुस्त हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। और यहाँ आज दिन में लगभग 350 लोग, जो कि हमने उम्मीद भी नहीं की थी, एक दिन के अनशन पर बैठे रहे, और लगभग 60 लोग तो खुले आसमान में रात को भी यहाँ अनशन पे कोई 3 दिन कोई 5 दिन के रह रहे हैं। अब आप लोगों में से कई ने पूछा है क्या सरकार ने सुनी आपकी बात, क्या उन्होंने आपसे वार्तालाप की। जी नहीं, और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं, 21 दिन तो बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं, शायद उसके बाद 21 दिन के बाद जैसा मैंने कहा है और 21 दिन भी करना पड़े, मगर हम करने को तैयार हैं, क्योंकि ये एक सच्चाई की और पर्यावरण की और लोकतंत्र की लड़ाई है।
हम नहीं चाहते कि लद्दाख का ये मुद्दा एक उदाहरण बन जाए आने वाले दशकों के लिए कि चुनाव में कोई भी नेता कोई भी दल कुछ भी वादे कर सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं और उसके बाद उन्हें कोई जवाबदेही देने की जरूरत नहीं है। फिर तो हर नेता यही करने लगेंगे। मैं कोई राजनीतिज्ञ तो नहीं और कोई नाता भी नहीं है, मगर इतना कह सकता हूँ कि अगर अभी भी ये सरकार लद्दाख के लोकतंत्र और संरक्षण के मांगों को मानती है तो लद्दाख की जनता मेरे ख्याल से तो पूर्ण सहमति से इनको जिताएगी यहाँ से। मगर ऐसा नहीं करते, हमें बिना पर बिना पैर के छोड़ देती है, ना लोकतंत्र ना संरक्षण। तो सत्य की बचाव के लिए तो मैं हर इलेक्शन कैंपेन में किसी भी पार्टी के लिए उपलब्ध रहना चाहूंगा ताकि बता सकूं लद्दाख के साथ क्या हुआ। और ऐसा कोई भी पार्टी ना करे, क्या कोई भी नेता ना करे वादा खिलाफी का। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस चुनौती में से जीत के निकलेंगे। सत्य की जीत होगी, सत्य के जड़ें भारत में मजबूत होगा, विश्वास लोगों में जागेगा और जीत आखिर में भारत की होगी। धन्यवाद। हाय एवरीवन, दिस इज वायरल भैया। जैसा कि अभी आपने सोनम वांगचुक जी को सुना जो कि लद्दाख के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट से बात हुई थी लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी मांगें पूरी करने के लिए मना कर दिया। कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे लद्दाख के लिए जो इन्हें चाहिए थे। मैं बता दूँ, ये वही सोनम वांगचुक जी हैं जिनके ऊपर 3 Idiots मूवी बनाई गई थी और ही इज़ वन ऑफ द फ्यू सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था, लोगों में अवेयरनेस बहुत फैलाने का काम किया था और लद्दाख और हिली एरियाज़ की वाटर नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए इन्होंने ही आइस टू पास का आइडिया दिया था। इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी के अगेंस्ट हैं। जब 370 हटी थी तो इन्होंने बढ़ चढ़ के बीजेपी का सपोर्ट किया था, ये हमेशा से 370 के अगेंस्ट थे। और अब ये अभी 21 दिनों के प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, ये बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हें बस अपने लद्दाख के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस चाहिए जिससे कि इनका वहाँ का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकें। और आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सपोर्ट हिम एंड प्लीज शेयर द वीडियो टू एवरीवन सो दैट पीपल कैन बी अवेयर ऑफ इट। एंड में उन्हें सपोर्ट करना है नहीं करना वो उनका डिसीजन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट पता तो चले, कोई मीडिया चैनल्स कवर नहीं कर रहा। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।